अच्छा, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने एक टॉपिक देखा था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ठीक है? अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू क्या होता है, देखते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि बेटा तेरा वेट कितना है, और किसी ने बोला सर 50 ग्राम्स, 50 मिलीग्राम्स। क्या आपने केवल बोला 50, तो मैं क्या मानूंगा? आप ही बोलोगे कि यार पूछने वाला इतना समझदार तो होना चाहिए कि वो ये समझे कि 50 kg होगा, है ना? समझदारी की बात अलग है, लेकिन आपने 50 बोला, 50 से तो मैं कुछ भी समझ सकता था, है ना? लेकिन आपका मतलब kg था। आप यार क्या उसे ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में नहीं बोल सकते थे क्या? बिल्कुल बोल सकते थे ना। मैंने पूछा कि बेटा कितना वजन है तेरा, तो बोला सर 50,000 ग्राम, या तो बोलता सर 5 करोड़ मिलीग्राम। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना? तो तूने समझदारी से 50 बोला, 50 kg मानते हुए, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं किसी एटम का या मॉलिक्यूल का मास निकाल रहा हूं, है ना, या मुझे किसी को बताना है, तो केजी में निकालूंगा या ग्राम में या मिलीग्राम में? यार एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के होते हैं। अगर उनका वजन हम ग्राम्स, मिलीग्राम्स या केजीज में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत गंदी गंदी डिजिट्स आ जाएंगी, है ना? तो साइंटिस्ट ने एक बहुत छोटी, बहुत प्यारी सी यूनिट निकाली वेट की, जिसका नाम रखा गया एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या है? ये वेट की ही एक यूनिट है, जिसे जिसका इस्तेमाल किया जाता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, किसके बराबर होती है पहले देख लो, किसके बराबर होती है, कैसे निकल के आती है वो देखेंगे, है ना? 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर होता है। बात क्लियर है? ये तो हो गई बात मैथमेटिकली इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है ना? देखो 1 AMU को कैसे डिफाइन किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप का एटम लूं, क्या अगर मैं कार्बन का एक एटम लूं, उस एटम का जो मास है उसका जो 12वां हिस्सा होगा, मतलब जो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम है, उसको बोलते हैं हम 1 AMU। क्या बोला, क्या बोला? मैंने ये बोला कि 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मुद्दे की बात, कार्बन के एक एटम का जो मास है उसका जो 12वां हिस्सा है उसको किसके बराबर बोला गया? 1 AMU के। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात? ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यार, इसके बराबर अगर है 1 AMU, तो 1 AMU की वैल्यू कैसे निकलती है? देखो तो 1 AMU की क्या डेफिनेशन देखी अपन ने, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। क्लियर? अच्छा और कार्बन के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें बताया यार, एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो यार इलेक्ट्रॉन्स के मास को तो वैसे भी कंसीडर नहीं करता है ना? तो एक एटम का मास अगर मुझे निकालना है, तो मुझे किसका मास निकालना है? उसके न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर दो ही तो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? इसका मतलब अगर मुझे एक एटम का मास निकालना है तो मुझे न्यूक्लियॉन्स का मास निकालना है ना? तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स का एक गुच्छा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। अच्छा तो यार इन न्यूक्लियॉन्स का मुझे अगर मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। नहीं रास्ता समझ में आया क्या? पक्की बात? मैंने क्या बोला, मान लो आपके पास बॉल्स का गुच्छा है, ठीक है?
उसका आपको मास निकालना है टोटल। तो कैसे निकालोगे आप? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इनटू मास ऑफ वन बॉल। तो वही हम लोग कर रहे हैं, एक एटम का मास निकालना है। तो मैंने क्या किया, बात समझ में आई क्या? ठीक। अब कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं कार्बन के एटम में? 12 न्यूक्लियॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए? 12। ठीक, एक अटैक, अटैक इसका मतलब 1 mu किसके बराबर आ गया यार? 1 mu का मतलब कितना कितना मास? एक न्यूक्लियॉन का मास। न्यूक्लियॉन मतलब या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दोनों को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? बात समझ में आ गई क्या? क्लियर। तो 1 mu मतलब इतना ग्राम। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि mu क्या होता है। आगे बढ़ता है।